तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज अपना चल रहा है, सुबह हो गया, आज बेंच है अपना। तो अभी अपन अपना मतलब ब्रेकफास्ट में आज मतलब थोड़ा जूस टाइप का पीने का मन किया है। तो ये क्या मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, मतलब अभी बाच रहा हूँ। ये जो पालक में मार्केट गया था ना, तो मेरे को 10 रुपये 1.5 किलो मिल गया। अभी पालक इसमें बाच के रखूंगा छान के, और उसके बाद इसको धो के, इसको ग्राइंड करके, इस पे ये छोटा सा नींबू डाल के इसको पी जाएंगे। तो मैं दिखाऊंगा पूरा चीज़। इसको भी बाच लेते हैं पहले। पालक छाटते कैसे मैं बता देता हूँ। ऐसे जो बड़ा बड़ा पीस रहता है ना, इसको ऐसे ऐसे साइड कर देने का, पहले इकट्ठा एक साथ रख लेने का, थोड़ा थोड़ा जो बचा रहा है उसको भी ऐसे तोड़ ताड़ के। और इतना मेरे लिए इनफ है, मेरे को 1-1.5 घंटे बाद ही अपना लंच रेडी करके खाना है। तो अब इसको अपन थोड़ा धो लेते हैं, उसके बाद ये छुटकू वाले में ग्राइंड कर लेंगे सटाक से, और नींबू अपना रेडी है। तो इसको तुरंत करते हैं। आज का थोड़ा सा गाढ़ा रह गया, मतलब क्या है ना, पानी कम डाल दिया था। इसको पियेंगे, ये थोड़ी देर अपने पेट को अच्छा भरा रखेगा, अच्छा कैल्शियम रहता है भाई पालक में। फुल पियो ऐसा जूस, कभी कभार पीता हूँ मैं वीक में 1-2 दिन। तो अब मैं इसको पीता हूँ तड़ से। तो नहाना वहाना हो गया है, और ये अपना मील दाल चावल और सोयाबीन और पनीर है। और पनीर तो दिख नहीं रहा है, पनीर मतलब ढक गया है, और गाजर है। और टाइम देख लो भाई, सीधी बात रख देते इसको। तो थोड़ा ऑफिस मतलब क्या बोल रहा हूँ, दोस्त का एक काम था, उसी चक्कर में बैंक गए। बैंक से आते आते लेट हो गया, और आके खाना बनाते बनाते और थोड़ा सा लेट हो गया। अब इसको मैं तड़ से खाता हूँ, और 1.5 घंटे बाद मेरे को फिर एक मील लेना है 5:30 के करीब, मेरा ओट्स मील। और आज मतलब ब्रेकफास्ट पे अपन ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपना इस पालक का जूस पिए हैं और कुछ नहीं, पेट देख लो। अब ऐप्स आएंगे, क्योंकि अब बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग या मैन फिजिक अभी होने वाला है अपने यहाँ पर, उस पर उतरेंगे। और ये भी अनाउंस कर दिए कि देख लो कंडीशन, ये पूरा पूरा फैट काटना है अब, क्योंकि बहुत बल्क कर लिए, लंबा बल्क चल गया ये लकड़ी 2 महीना। चलो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो नहीं मतलब क्या बोल रहा हूँ, अब मिलते हैं आगे सेकंड मील पे। तो ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने आज मतलब एकदम पानी 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 टाइप बनाया है। केले, ओट्स, किशमिश नहीं दिख रहा है मेरा, किशमिश भी डाला है इसमें। तो अब ये खा के अपन जिम निकलेंगे, उसके बाद सीधा जिम में मिलते हैं अब। तो आज अपना है बेंच का पुश डे, अभी हम लोग आज मारेंगे बेंच। पहले के कुछ सेट मारेंगे नॉर्मल, उसके बाद अपना बॉक्स मारेंगे 1.5 इंच बॉक्स में हम लोग मारेंगे बेंच। उसके बाद हम लोग मारेंगे, मेरा एक वेरिएशन है उसको मैं आज ऐड करके रखा हुआ आज वाले शेड्यूल पे, क्योंकि आज बॉक्स पे अपन ज़्यादा सेट नहीं लेंगे, दो तीन सेट लेंगे हेवी हेवी, तो अपन लाइट में उसको करेंगे। तो आप लोग वो लास्ट वाले शेड्यूल मतलब लास्ट वाले जो एक्सरसाइज है बेंच का, उसको आप अपने में ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा आपका बेंच इंक्रीज हो तो आपको मिलेगा। तो ये अभी वार्म अप चल रहा है अपना, चाय पीते पीते वार्म अप चल रहा है। We'll be right back.
हम लोग 90 kg पे, तो 90 kg पे बॉक्स मारेंगे हम लोग। तो रेपिटेशन दो 3 से 4 का है टारगेट, जितना अच्छा निकले भले सपोर्ट पे क्यों ना हो। और मेरे को मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया था इस सेट के समय, नहीं पता क्यों बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गया था। इसके बाद भी एक और सेट लिया था मैंने बॉक्स का, लेकिन उसको उतना नहीं, लेकिन इस वाले पे बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी पे लोड गिरा ऐसा मुझे फील हुआ। यहाँ पर देख ही सकते हो आप लोग, इस वेरिएशन को मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि इसको कैसे करते हैं। पहला आपका रैप रहेगा हाफ, उसके बाद फुल, तो आपका एक रैप कंप्लीट होगा। उसके बाद ये देखो ना, हाफ अब फुल, ये मेरा एक रैप हुआ, फिर हाफ फिर फुल, ये मेरा दो रैप हुआ। तो इसको आप ऐड करो, आपको धीरे धीरे दिखेगा बेंच इंक्रीज होते हुए। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से रखना, मतलब मैं बोलूँगा कि जिस दिन आप बॉक्स पे हेवी जाओ तो इसको अपने 60-70% पे रेपिटेशन निकाल सकते हो, और जिस दिन जैसे लाइट रहता है या आपका नॉर्मल रहता है उस दिन आपको इसको ऐड मत करना बस। और अब इनका भी बॉक्स, इनका भी अच्छा ये वाला सीजन, मतलब ये वाला जो हम लोग का था ना आज का पुश डे, वो दोनों का ही अच्छा गया। लास्ट रेपिटेशन में हम लोग को ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, अब उसी चीज़ पे थोड़ा काम करना है। We'll be right back.
तो अब अपना यही कुछ खत्म, अब शॉर्ट ट्राई से बच्चा के मारेंगे, बच्चा के नहीं यही मारेंगे, निकल लेट हो जाएगा और टाइम कम है। सोचा शूट करूँ शोल्डर और ट्राइसेप का वीडियो, लेकिन टाइम कम है तो मेरे को तड़ 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 शोल्डर और ट्राइसेप मारना है और इंक्लाइन डंबल प्रेस मारूंगा। ऐसे फिर मंदिर भी निकलना है, फिर मंदिर होते सीधा और फिर पोस्ट मिल बनाएंगे, दलिया वलिया कुछ बनाएंगे। चलो अब मिलते हैं वहाँ पर सीधा। ये हमारे अच्छे इंसान रुद्रा जी, हाँ ये भाई अपना, भाई 700-800 लोग देख लेते हैं ले देखे। और ये देखो अपने साथ कांड हो गया ना, मंदिर से निकले, ये देखो कंड, देख रहे हो गाड़ी को, क्योंकि माँ का कंचना हो गया इसके साथ, हवा निकल गया है, पूरा हवा निकल गया। अब क्या करेंगे भगवान जाने। अभी थोड़ा धक्का मार के उस यहाँ से लेफ्ट में एक ठो हवा भरने का जगह है, वहाँ से हवा भर के निकलेंगे। पूजा पाठ के समय से फ़ोन को रख देना चाहिए साइड, पूजा पाठ हो गया निकलते हैं। सॉरी गाइस, पोस्ट मिल बनाते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वही हवा भराते वक्त मेरा फ़ोन पे 1% चार्ज था तो फ़ोन वहाँ डेड हो गया। उसके बाद आके मैं सीधा अपना मतलब पोस्ट मिल बनाया और ये दलिया है और हाई प्रोटीन है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जल्दी मिलते हैं।